हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो उद्यमिता विकास में अभिप्रेरणा का महत्व। तो कोई एंटरप्रेन्योर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु जितना अचीवमेंट मोटिवेशन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, उतना पावर के द्वारा या एफिलिएशन के द्वारा मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। इसका महत्व को निम्नलिखित पॉइंट्स में समझा जा सकता है। पहला है कुशलता में वृद्धि, माने स्किल डेवलपमेंट। तो मोटिवेशन एक ऐसी पावर है या ऐसी शक्ति है जिसके कारण एक एंटरप्रेन्योर किसी कार्य को अपनी पूर्ण कुशलता के साथ करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता, बल्कि उसमें वृद्धि भी करता है। मोटिवेशन के कारण एक एंटरप्रेन्योर के मनोबल में वृद्धि, कार्य संतुष्टि में प्राप्ति, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानवीय संबंधों के में वृद्धि तथा कार्य करने का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉई के कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं क्यों ज़रूरी होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में मोटिवेशन का, तो मोटिवेशंस रहता है तो क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर जो होते हैं या न्यू एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो इस मोटिवेशन के बेसिस पे क्या करते हैं या उसी के कारण मोटिवेशंस के कारण क्या करते हैं, वो अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, अपने वर्क सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं और हर नेसेसरी चीज़ों के लिए वो कैसा है सेटिस्फैक्शन और रिसोर्सेज की स्टडीज़ करते हैं और अपने आसपास जो है कि हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि वो क्या करें कार्य के प्रति थोड़े से स्किल्ड रहें और खुश रहें और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकें, अपनी कुशलता पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। देन उसके बाद है श्रमिकों की स्थिरता। तो मोटिवेशन द्वारा एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता की संतुष्टि होती है तथा साथ ही कार्य संतुष्टि भी होती है, जिससे कर्मचारी एक ही संस्था में रहना पसंद करते हैं। इससे संस्था में लाभ में वृद्धि होती है। तो मैंने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी जो है एम्प्लॉयज़ की, हम उसे मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे वो क्या होंगे मोटिवेट होंगे और किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे, अपना जॉब सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होना है। देन थर्ड पॉइंट जो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। तो मोटिवेशन द्वारा श्रमिकों में कार्य करने की इच्छा जागृत की जाती है तथा उनके प्रयासों को निर्धारित दिशा में निर्देशित किया जाता है, जिससे संस्था अपने निर्धारित लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकती है, माने उनके जो टारगेट्स हैं उसके अचीवमेंट में हम क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। देन फोर्थ जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानव की अत्यंत आवश्यकता होती है तथा उनके क्रमबद्धता होती है। मोटिवेशन के द्वारा एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकताओं के लिए संतुष्टि प्रदान करता है। तो क्या कर रहे हैं हम, हर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके बहुत से जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो क्या करता है उस रिक्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसके लिए, उसे क्या करता है वो सीक्वेंस में अरेंज करके रखता है। तो कोई भी मोटिवेशंस के द्वारा जो कंपनी का मैनेजर है वो क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन के लिए जो उनके जो सीक्वेंस रहते हैं उनको क्या करता है अपने से प्रिपेयर करता है और उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। फिफ्थ जो है मानवीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, माने ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या करते हैं अधिकतम प्रयोग। तो मोटिवेशन द्वारा एक मैनेजर अपने
अपने ही कर्मचारी और श्रमिकों को अधिकतम मानवीय संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रेरित करता है। मानवीय संसाधन अधिक सक्रिय साधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने कार्य को एक उचित दिशा देते हुए टारगेट को अचीव करें। देन सिक्स जो है कार्य संतुष्टि, तो वर्क जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्क सेटिस्फेक्शन, तो मोटिवेशन द्वारा कर्मचारी पूर्ण लगन निष्ठा और कुशलता के साथ से कार्य न करता है और अधिक से अधिक अच्छा परिणाम देने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने कार्य से संतुष्टि का अनुभव करता है। मैंने जो कर्मचारी जो हैं वो अगर मोटिवेटेड हैं तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अट्रैक्शन के साथ और अपनी स्किल्स के साथ क्या करेगा के साथ काम तो नहीं करेगा, के साथ काम तो करेगा ही, साथ ही साथ क्या करेगा, वो अपना जो काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड काम करेगा, जिससे क्या हो वो टारगेट भी अचीव करे और उसे कार्य के प्रति उसे सेटिस्फेक्शन भी मिले। देन सेवन जो है वो मनोबल में वृद्धि, मॉरल एंड डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, या मॉरल सेटिस्फेक्शन जो होता है, तो मोटिवेशन द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कोई भी संस्था जब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसे कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा ना हो। ऊंचा मनोबल कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।